हाँ जी बिल्कुल, जो सिलसिले का आगाज किया इसमें ये है कि टॉपिक वाइज हम जैसे चलेंगे तो आज के जो है चार इसमें खुश नसीब नजर आते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से, वीजा के हवाले से और फॉरेन ट्रेवल के हवाले से। इसमें सब फॉल करेंगे और पाइसिस वो होंगे जिनको अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज मिलेगी, ऐसे पाइसिस को जिन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ था। हाँ ये जरूर है कि सफर शायद ना कर पाए लेकिन वीजा आ जाए, मतलब ये हो सकता है कि ट्रैवल ना कर पाए, ट्रैवल जनवरी में ले जाए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग अपने जायचे के हवाले से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, रब्ता कर सकते हैं। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं, आपको पता है कि हमने एक प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि दिसंबर के हवाले से कट टू कट जो जो चीजें जिस जिस हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं वो है ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे, ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। वो चाहते हैं जी हमारा इमिग्रेशन का मसला हल हो जाए। कब चांस बनेगा, दिसंबर के महीने में वो कौन से जोडिएक हैं जिनका टाइम अच्छा शुरू हो गया है और इमिग्रेशन के रास्ते और ट्रैवल के रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद सामा साहब से कि वो कौन से खुश नसीब जोडिएक हैं, वो ट्राई करें, उनको वो चांस मिलेगा दिसंबर में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ ये बिल्कुल, जो सिलसिले का आगाज किया इसमें ये है कि टॉपिक वाइज हम जैसे चलेंगे तो आज के जो है चार इसमें खुश नसीब नजर आते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से, वीजा के हवाले से और फॉरन ट्रेवल के हवाले से। इसमें सब फॉल करेंगे, जिसने किसी ने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है या कोई वर्क परमिट अप्लाई किया है अब्रॉड में और वो एक्सपेक्ट कर रहा था, या जिसने ट्रैवल वीज़ा लगा हुआ है लेकिन प्लान कर रहे हैं जाने का, अभी रिलक्टेंट हैं वो लोग, प्लस वो लोग जो मोस्टली कोई इमिग्रेशन अप्लाई करके वेट कर रहे होते हैं और वो करीब करीब होती है। अब ये उनका नहीं है जिन्होंने आज ही अप्लाई की है, क्योंकि इमिग्रेशन का एक प्रोसीजर है किसी कंट्री का 16 माह, किसी का 3 साल, किसी का 2 साल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से होंगे जिनको दिसंबर में फॉरेन ट्रैवल वीज़ा या इमिग्रेशन की खुशखबरी मिल सकती है। उसमें जो सबसे पहले हैं वो पाइसिस हैं। पाइसिस तो लक फेवर करेगी, अनएक्सपेक्टेडली अगर वो वेट कर रहे थे वीज़ा का या इमिग्रेशन या किसी कार्ड का या किसी भी इस तरह की, विद इन द कंट्री इवन लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वीज़ाज अप्लाई करके वेट में होते हैं उसका, बेशक वो उसी मुल्क में, और वो इंतज़ार कर रहे हैं वीज़ा अप्लाई करके, उन सब में सबसे पहला जो होगा वो पाइसिस होगा। पाइसिस के लिए लक सपोर्ट करेगी और पाइसिस वो होंगे जिनको अनएक्सपेक्टेडली गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसे पाइसिस को जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। ये नहीं है कि दिसंबर में वीजा अप्लाई करेंगे और दिसंबर में मिल जाएगा, नहीं, जो वेटिंग पे थे उनको आ सकते हैं चांस, उनको ये न्यूज मिल सकती है जो वेट कर रहे थे वीजा का, इमिग्रेशन का या फॉरेन ट्रेवल का। उसके बाद जो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड मोस्ट इस मामले में नजर आते हैं, वो कैप्रिकॉर्न्स होंगे। इनको हो सकता है कि फॉरेन ट्रेवल इमिग्रेशन मैटर में सक्सेस मिले और वो तकरीबन कोई 31 दिसंबर तक होगी, उसमें चांसेस बेहतरी के होंगे। अगर ये कोई बिजनेस भी कर रहे थे और फॉरेन ट्रैवल बिजनेस टूर था तब भी वो सक्सेसफुल होगा कैप्रिकॉन्स के लिए। उसके बाद जो तीसरा जॉडिक जो बनेगा वो बनेगा जेमिनाई। जेमिनाई नवंबर भी जेमिनाई का कम्युनिकेशन में गुजरा है, जेमिनाई बड़े लिंक्स बनाते नजर आए, लोगों से रबते करते नजर आए, पुराने रिसोर्सेज को जिंदा करते नजर आए। आपको पता है मार्केटिंग और सेल्स या बिजनेस में जेमिनाई बहुत ज्यादा इन होते हैं, तो डेफिनेटली जेमिनाई के लिए भी
इस महीने में इमिग्रेशन को लेके, वीजा को लेके या इस तरह का कोई भी मैटर, वो इनके लिए फेवरेबल साबित होगा। दिसंबर का महीना, इनको कोई खुशखबरी उससे आ सकती है। हाँ, ये जरूर है कि सफर शायद ना कर पाए, लेकिन वीजा आ जाए। मतलब ये हो सकता है कि ट्रैवल ना कर पाए, ट्रैवल जनवरी में ले जाएं अपना, फेब में प्लान करें, स्टूडेंट वीजा लग के आ गया, या इनका जो इमिग्रेशन का कॉल आ गई, या कोई इस तरह की खुशखबरी इनको जेमिनाइज को मिलती नजर आती है। फॉरेन वीजा या फॉरेन कंट्री उस हिसाब से। और उसके बाद जो फोर्थ एंड लास्ट इसमें जॉडिक नजर आता है, वो एरीज है। एरीज के लिए भी अगर इन्होंने तकरीबन जो है, इनको तो सिर्फ वीजा ही की खुशखबरी नहीं, इनके लिए तो एरीज के लिए तो रिलोकेशन भी नजर आती है। और एरीज के लिए ये अपने घर बदलते भी नजर आते हैं, जगह बदलते भी नजर आते हैं, मुल्क बदलते भी नजर आते हैं। और हो सकता है कि अगर ये एरीज प्लान कर रहे थे इस मई के बाद से, इस साल 2024 के मई के बाद से, कि यार फलां कंट्री में शिफ्ट हो जाऊं या रिलोकेट कर जाऊं, तो यस, एरीज वो खुश नसीब होंगे जो इस दौरान मूव कर जाए। तो ओवरऑल ये चार नजर आते हैं ऐसे जॉडिक जो समझ लें कि वीजा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से और फॉरेन ट्रेवल के हवाले से खसूसन, इन चार को बेनिफिट होते नजर आते हैं, कोई खुशखबरी आती नजर आती है। ठीक हो गया सामा साहब, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को बताया इमिग्रेशन के वाले से। वाकई बहुत लोग ट्रैवल की वजह से डिस्टर्ब हैं इस टाइम पे। अच्छा ये बताएं सामा साहब कि ये जो ये लोग ट्रैवल करेंगे किस प्रोस्पेक्टस पे करेंगे? कोई बिजनेस डील होगी इनकी, कोई आमदनी में इजाफा होगा इस ट्रैवल से, या आपको किस चीज में, जब आपने इनकी रीडिंग निकाली तो आपको सबसे ज्यादा इनमें कौन सी खसूसी चीज में आपको नजर आया कि ये लोग इसमें इनको फायदा होगा? क्योंकि उस सेक्टर में जाके कोई ऐसे फ्रेश लोग भी होंगे जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे और उनका ट्रैवल होगा, तो उनको क्या बिजनेस में एडवांटेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, का मायूसी है, ट्रैवल तो होगा लेकिन उसमें फायदा भी है या नहीं है, ये जरा बताइएगा। देखें ये एक अलहदा मैटर है, ये हम इसीलिए चीजों को अलहदा से तोड़ के बयान कर रहे हैं। अब लोग जो कह रहे होते हैं ना कि सेम बात उधर थी, सेम बात इधर थी। अब पिछले में जब हमने चार जॉडिक टॉप फाइव निकाले थे तो उसमें हो सकता है इनमें से कोई हो सकता ना हो। अब हमने प्योरली इमिग्रेशन और वीजा पे बात की है, तो सबसे ज्यादा तो इमिग्रेशन और वीजा की अगर कोई इनमें से एप्लीकेंट थे जिन्होंने की हुई थी और एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिसाल के तौर पे जी डेढ़ साल हो गया इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, आ जाती है, कल आती है, परसों आती है, इस महीने नवंबर दिसंबर में तो आ ही जाती है, तो उनके लिए है कि भाई दिसंबर में आ जाएगी। इसी तरीके से वहां जाके तो जाती बर्थ चार्ट ही बताएगा कि उनके लिए फायदा है या नहीं है, वो तो उनकी पर्सनल जो बर्थ चार्ट में रीडिंग आ सकती है। ये तो जनरल, देखें जनरल सीधा साधा क्वेश्चन है कि वीजा, फॉरेन ट्रैवल और इमिग्रेशन, इसमें सबसे ज्यादा जो हाई चांसेस जो इन चार में कॉमन थे वो इमिग्रेशन के थे। इमिग्रेशन अप्लाई की है तो इनके नाम आ सकते हैं, इनकी कॉल आ सकती है। वीजा अप्लाई किया हुआ था, काफी अरसे से वेट कर रहे थे, तो वीजा आ सकता है। इसी तरीके से फॉरेन ट्रैवल के लिए वीजे लगे पड़े थे, टाइम नहीं बन रहा था, तो तीसरे नंबर पे ये है कि फॉरेन ट्रैवल हो बस। इससे ज्यादा इसमें आप कहें कि जी कोई फिनेंशियल गेन्स या कोई ऐसी बात, तो वो हम नहीं कह सकते। हम इसीलिए तो टॉपिक्स को अलहदा करके बयान कर रहे हैं, क्योंकि लोग अमूमन जब हम प्रोग्राम करते हैं कि जी इस महीने के लकीएस्ट जोड़ी कौन से होंगे, तो वो सारे कहते हैं कि बस लक का मतलब फलक ने अप्लाई किया हुआ वीजा, तो वो लक का मतलब समझेगा वीजा आना। अच्छा, किसी ने कोई घर लेना था तो वो समझेगा घर आना, किसी ने कोई डील क्रैक कर रहा था, बिजनेस डील कर रहा, तो वो समझता है कि बिजनेस डील। अच्छा, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी लक समझ रहा होता। लक मीन डजंट मीन कि आपके जिंदगी के किस हिस्से को स्पेसिफिकली फायदा होगा। लक का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको कुदरत वो नॉलेज देगी जिसके तहत आप उस रास्ते पे जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे।
दो रास्ते हमेशा सामने होते हैं, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ना करूं। बस यहां लक सपोर्ट ये करती है कि आपको पहले नॉलेज देती है, पहले इल्म फिर हिकमत। ये कुरान का फार्मूला भी है, तज़किया नफ्स इल्म फिर हिकमत। यानी कि आपको वो नॉलेज गेन मिल जाती है कि कैसे करो। मिसाल के तौर पे आपको काम अड़ा हुआ है, आपको नहीं पता कैसे होगा, अचानक आप बस में बैठे कहीं रास्ते में जा रहे, एक बंदा मिला, उसने कहा जनाब फलक साहब ये यूं यूं कर लो, मसला हल है। आप महीनों से उसके चक्कर में थे और अचानक बंदा सामने था, इसको कहते हैं लक। लेकिन वो फिर भी नॉलेज ही दे रहा है, जेब में पैसे नहीं डाल रहा, नॉलेज ही दे रहा होता है। इसी तरीके से सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जुगाड़ लग जाते हैं अचानक आपके। इसी तरीके से पैसे कमाने से ज्यादा, मतलब पैसे कमाने का तरीका बड़ा होता है, ना कि पैसा बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहूँ कि जी आप 1 करोड़ उठाएंगे या 1 करोड़ कमाने का तरीका, तो आप कहेंगे डेफिनेटली 1 करोड़ कमाने का तरीका, क्योंकि उससे तो मैं कई करोड़ बना लूंगा। तो इसी तरीके से होता है कि लक जो होती है, लोग इसको बस कोई ना गैबी वो समझते हैं, जैसे कोई बस अचानक कोई जादू का जिन निकलेगा, चिराग जिन, चिराग का जिन जैसे कहते हैं, और वो कहेगा बोल तुझे क्या चाहिए। यूं नहीं होता। नौवां घर लक का है, दीन का है, आपकी उसकी खुदा के ताल्लुक का है, तो इसलिए वही ये सब होता है। तो पहले नॉलेज आती है, फिर आप उसी के जरिए वो रास्ता क्लिक कर बैठते हैं जो कि आपकी किस्मत चमका देता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, अगली वीडियो में जब हम कोई और टॉपिक खोलेंगे, शादियों का खोल देंगे, रिश्तों का खोल देंगे कि इस दिसंबर में रिश्ते किन के आने हैं या शादियां किन की होनी है या इस तरह की कोई, तो वो फिर स्पेसिफिकली उसी पे ही वो होगा, वो उसमें कोई और जे पैसा वेल्थ वेल्थ वो नहीं होगी। अच्छा अच्छा, स्पेसिफिक उसी चीज पर बात होगी, ठीक हो गया। अच्छा स्वामी साहब एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पर। ये जो लोग अब आपने बताया इनके तो वीजा इमिग्रेशन के मसले थे, अब इन्हीं जोडिएक में इसके अलावा जो जोडिएक हमें देख रहे हैं उनका भी अगर चांस बना हो या उन्होंने जाना हो, तो क्या उनके लिए बेहतर टाइम नहीं है जिनका आपने जिक्र नहीं किया इन चार के अलावा? देखें इनमें मैंने सफर, तो अब अगर आपका सवाल था जस्ट फॉरेन ट्रैवल, फिर उसमें हो सकता है लिब्रा भी फॉल करते, स्कॉर्पियन भी फॉल करते, उनके भी सफर है दिसंबर में, समझ रहे हैं फॉरेन ट्रैवल है उनके। लेकिन हमने क्योंकि वीजा और इमिग्रेशन को फोकस किया, तो इसमें सिर्फ वही फॉल करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और उनमें से इनके चांसेस होंगे। दूसरे जिन्होंने किया हो सकता है उनके जनवरी में हो, ठीक है, और आगे हो। तो हम क्योंकि टॉपिक वाइज जब चल रहे होते हैं तो फिर हमें बस स्पेसिफिक रहना है। इसमें अगर हम कोई और बात ऐड करेंगे तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, वो बात नहीं रहेगी टॉपिक चाहते थे। अब हम कह रहे होते थे जी फाइनेंशियली अच्छा महीना, वो कह रहे थे वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। हम कह रहे होते थे लकीएस्ट जोडिक, वो कह रहे होते थे कि जी हमारी जो है बस लॉटरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो अब इस तरीके से हम समझा भी पाएंगे और क्लैरिटी भी आती जाएगी। तो ट्रैवल की बात नहीं हो रही, जस्ट वीजा और इमिग्रेशन। फिर मैंने जैसे एक उनमें से जिक्र किया कि इनका वीजा तो आ जाएगा, इमिग्रेशन भी हो जाएगी, सफर हो सकता है ना करें, फॉरेन ट्रैवल ना करें। इसीलिए फॉरेन ट्रैवल के हमने चांसेस को तीसरे नंबर पर रखा इस वीडियो में। जैसे कि हमने जमनाई का कहा कि भाई वीजा आ सकता है, ट्रैवल बाद में करें। तो इसीलिए आप जब पूछ रहे हैं ना कि बाकी का ट्रैवल, ट्रैवल अगर जस्ट फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो वो फिर सारे अलहदा होंगे। ये जो थे ये वीजा और इमिग्रेशन वाले थे जिनके मसले फंसे हुए थे बड़े अच्छे से। ये वो लोगों का आपने बताया कि ये चार लोग हैं उनका दिसंबर में रिलीफ। लेकिन बात करने से ये होता है थोड़ा लोगों को और ग्रिप का पता लग जाता है कि बात किस नोयत पे हो रही है। तो ये भी अच्छा हो गया कि हमने आज गुफ्तगू की, आपने नॉलेज दिया लोगों को कि वीजा इमिग्रेशन वाले जो लोग डिस्टर्ब थे, दिसंबर का महीना आने वाला है और ये अगर जोडिक से आपका ताल्लुक है तो आप लोग फौरी तौर पर तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आप लोगों के मसले मसाइल जो वीजे और इमिग्रेशन से रिलेटेड थे, ओसामा साहब की ये रिसर्च है कि वो हल हो जाएंगे और आपका ट्रैवल जरूर बनेगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह को पता है, करने वाली जात मेरे अल्लाह की है।
तो नाजरीन आपको टॉपिक कैसा लगा? दिसंबर का महीने पे हम मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। फाइनेंशियली भी हमने किया है, वो अपलोड हो चुके हैं। सामा साहब के प्रीवियस प्रोग्राम दिसंबर के हैं, उस हवाले से भी आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद सामा साहब को दें इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले जो भी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग वाली हो आपके पास पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।